नमस्कार, आप देख रहे हैं निशन भारत। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। संविदा कर्मियों के बारे में जदयू नेता गुलाम गौस ने कहा कि सरकार के इस फैसले की तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन सरकार इतनी नियुक्तियां करेगी कि शायद जो बेरोजगारी की समस्या है वो हल हो जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं गुलाम गौस, जदयू नेता, आपको सुनाते हैं। मुझे हटाने की सूचना नहीं है अभी तक विधवत, लेकिन सरकार इतनी बहालियां करेगी कि अपने राज्य में बेरोजगारी नहीं रहेगी। शिक्षक के मामले में और भी बहुत सारी जो वैकेंसियाँ हैं सरकार बहाल करेगी। बहाली होगी सर, एकदम ऐसा लगा है कि नहीं हुआ है। टीचर की बहाली हम ही लोग किए थे, इसके पहले वाला लोग किया। लगातार कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा भी। तो आपने सुना, ये थे गुलाम गौस, कह रहे थे कि सरकार के पास इतनी नियुक्तियां करने का अभी स्कोप है, जिससे कि वो नियुक्तियां यदि हो जाएंगी तो बेरोजगारी की समस्या जो है वो हल हो जाएगी। अब देखना है कि सरकार कितने बेरोजगारों को नौकरी दे रही है, इस पर भी नेशन भारत की नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।